खबर शिवपुरी के जिला अस्पताल से है, जहां पर हम आपको बता दें कि यूपी के जिला अस्पताल में मरीजों को स्ट्रेचर तक की सुविधा नहीं मिल पा रही है। जो भी मरीज भर्ती होने के लिए यहां पर आते हैं, जो चलने में असमर्थ हैं, उनको स्ट्रेचर खुद ही तलाशना पड़ता है और नहीं मिलने पर खुद ही परिजनों को सहारा देकर मरीज को अंदर लाना पड़ता है। जानकारी के अनुसार मालती रजक ने बताया कि उसके बेटे दीपक रजक को चक्कर आ गए थे, वो गिर गया था। जब वो अपने बेटे को ऑटो से अस्पताल लेकर आए तब 15 से 20 मिनट तक वो ऑटो में ही बैठा रहा, क्योंकि वो चलने में असमर्थ था। महिला के अलावा उसके साथ कोई नहीं था। जब 15 से 20 मिनट तक स्ट्रेचर नहीं मिला तब महिला खुद अपने बेटे को सहारा देकर अस्पताल के अंदर लाई और भर्ती कर पाया। क्या नाम है आपको? मेरा नाम मालती है। कहाँ से हो? रेंज में। कौन सी जगह? रेंज। रेंज रेंज से। क्या हो गया आपके बच्चे को? चक्कर आया उसको। क्या नाम है? दीपक। दीपक, तो आप वो स्ट्रेचर वगैरह नहीं मिला स्कूल आने? मिला ना। कितनी देर इंतजार करना पड़ा आपको? 15-20 मिनट हो गए। 20 मिनट हो गए। तो क्या कहना चाहोगे अस्पताल के बारे में? क्या बताऊँगी,